लाहौर में कोरोना वायरस का मुसलसल फैलाव, सूरत हाल दिन ब दिन संगीन। वायरस से जान बहक अफराद की तादाद 4, मजीद 2 मरीजों में तशखीस के बाद मुतासर अफराद 130 हो गए। तर्जमान प्राइमरी हेल्थ केयर के मुताबिक पंजाब में अमवात 9 और मुब्तला मरीज 658 रिकॉर्ड हुए। वजीर आला पंजाब की एक बार फिर शहरियों से घरों में रहने की अपील। मीडिया से गुफ्तगू में कहा 25 लाख खानदानों के लिए 10 अरब मुख्तस किए हैं। वजीर आला का मुश्किल हालात में खिदमात अंजाम देने वाले डॉक्टरों के लिए एक तनख्वाह अलाउंस का ऐलान। कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफा, पंजाब हुकूमत के नामुकम्मल इंतजाम जवाब देने लगे। तशखीसी टेस्ट की सहूलियात लाहौर समेत मजीद 2 शहरों तक महदूद। फैसलाबाद डिवीजन से टेस्ट के नमूने लाहौर भिजवाए जाने पर रश में इजाफा, रिजल्ट ताखिर का शिकार, मुश्तबा मरीज शदीद कौफ से दोचार। कोरोना वायरस से रोजगार मुतासर, बिजली बिलों में घरेलू सार्फीन के लिए बड़ा रिलीफ। लॉकडाउन के सबब बिलों की अदायगी पर 3 माह तक कनेक्शन मनकता ना करने का फैसला। बिल एक साथ की सूरत जमा करवाने वालों के कनेक्शन भी नहीं काटे जाएंगे। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का ऑपरेशन विंग को मिरास लाइट साल। प्राइवेट स्कूल 2 माह के लिए फी में 20% कमी करेंगे। पहली से 7वीं जमात तक तमाम बच्चों को होमवर्क की बुनियाद पर अगली जमातों में भेजा जाएगा। लॉकडाउन के दौरान स्कूल इंतजामिया सातजा को पूरी तनख्वाह अदा करने की पाबंद, किसी भी उस्ताद को नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जाएगा। वजीर तालीम पंजाब मुराद रास ने निजी स्कूलों के मालिकान के नुमाइंदा वफ से मुलाकात में हुकूमती फैसलों से आगाह कर दिया। निजी स्कूल मालिकान की जानिब से 20% फी कम करने के फैसले की मुखालिफत। कोरोना वायरस से रोजगार मुतासर, बिजली बिलों में घरेलू सार्फीन के लिए बड़ा रिलीफ। लॉकडाउन के सबब बिलों की अदायगी पर 3 माह तक कनेक्शन मनकता ना करने का फैसला। बिल एक साथ की सूरत जमा करवाने वालों के कनेक्शन भी नहीं काटे जाएंगे। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का ऑपरेशन विंग को मिरास लाइट साल। प्राइवेट स्कूल 2 माह के लिए फी में 20% कमी करेंगे। पहली से 7वीं जमात तक तमाम बच्चों को होमवर्क की बुनियाद पर अगली जमातों में भेजा जाएगा। लॉकडाउन के दौरान स्कूल इंतजामिया सातजा को पूरी तनख्वाह अदा करने की पाबंद, किसी भी उस्ताद को नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जाएगा। वजीर तालीम पंजाब मुराद रास ने निजी स्कूलों के मालिकान के नुमाइंदा वफ से मुलाकात में हुकूमती फैसलों से आगाह कर दिया। निजी स्कूल मालिकान की जानिब से 20% फी कम करने के फैसले की मुखालिफत। लॉकडाउन का 8वां रोज, कारोबारी जिंदगी बदस्तूर मुअत्तल। शहरियों ने जो महदूद वो महफूज का नारा मजाक बना डाला। हुकूमती अहकामात नजरअंदाज, पुलिस नाकों के बावजूद बड़ी तादाद में फैमिलीज सड़कों पर मौजूद। डबल सवारी की भी बड़े पैमाने पर खिलाफ वर्जी। एहलकारों की बाहर घूमने वालों को घर वापस जाने की हिदायत। पंजाब हुकूमत की 4000 रुपए की माली इमदाद, 10000 से कम बिजली बिल वाले सार्फीन के लिए मुख्तस। लॉकडाउन से मुतासर दिहाड़ीदार मेहनतकशों को इमदाद इजी पैसे की मदद से ट्रांसफर होगी। मुस्तहक अफराद की रजिस्ट्रेशन के लिए मखसूस मोबाइल नंबर जारी किए जाएंगे। मुतासर शख्स के शनाख्ती कार्ड नंबर और मोबाइल फोन नंबर की मदद से तस्दीक के बाद रकम मुंतकिल की जाएगी। लॉकडाउन के बायस मुस्तहकीन की माली इमदाद में मुश्किलात। बैतुल माल काउंसिल ने मोबाइल कैश सर्विसेज की बजाय बजरिया चेक माली मदद देने की मंजूरी दे दी। लाहौर समेत दीगर अजला की बैतुल माल कमेटियों को मिरासला इरसाल। जिले बैतुल माल काउंसिल्स को अपने फंड से मरीजों की माली मदद की भी इजाजत। लॉकडाउन का 8वां रोज, मुतासर अफराद मेहनतकश और दिहाड़ीदार तहाल हुकूमती राशन के मुंतजर। वज़रा और अरकान असेंबली जुबानी जमा खर्च के बाद अमलन मंजर से गायब। नादारों की दादरसी का बड़ा महास मुखय्यर हज़रात ने संभाल लिया। मुख्तलिफ इलाकों में अपनी मदद आपके तहत राशन और खाने की तकसीम का अमल जारी। महकमा सेहत पंजाब की नाअहली, कोरोना वायरस के खिलाफ हिफाजती इकदामात और सहूलियात से सोशल सिक्योरिटी के अस्पताल महरूम। मुआहदे के बावजूद सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों को टेस्ट सहूलियात, वेंटिलेटर्स, मास्क और दीगर अशिया की फ्राहमी ताहाल नहीं की जा सकी। मुल्तान रोड अस्पताल इंतजामिया को मुश्तबा मरीज का टेस्ट निजी लेबॉरेटरी से करवाना पड़ा।
पंजाब हुकूमत का मुश्तबा मरीजों के लिए कोरोना ट्राई एज सेंटर बनाने का फैसला। सेंटर में मुकम्मल तिबी मुआयने के बाद मुश्तबा मरीज को हॉस्पिटल या करंटीना भेजने का फैसला होगा। सोबाई जिले सेहत डॉक्टर यास्मिन राशिद का एक्सपो सेंटर कोरोना हॉस्पिटल का दौरा। सेहत हुकाम को फौरी तौर पर ट्राई एज सेंटर के लिए इकदाम की हिदायत। लॉकडाउन के सबब मनकदा तालीमी सिलसिला ऑनलाइन बहाल करने का मंसूबा। चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन की सरबराही में 9 रुकनी कमेटी कायम। वाइस चांसलर पर मुश्तमिल कमेटी अरकान बाहमी मुशावरत से ऑनलाइन कोर्सेज की मंजूरी देंगे। तदरीसी तरीकाकार और मौसर जांच पड़ताल का निजाम कायम करेंगे। लॉकडाउन के दौरान 6 स्पेशल ट्रेन चलाने की तजवीज मुस्तरद। पाकिस्तान रेलवे ने ट्रेन ऑपरेशन गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुल्तवी कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। वफाकी हुकूमत की जानिब से ट्रेन के जरिए मुसाफिरों की किसी भी किस्म की नकलो हरकत की सख्ती से ममानियत। माल गाड़ियां चलाने की इजाजत बरकरार। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के सबब ई चलानिंग का अमल मुअत्तल। पाकिस्तान पोस्ट की जानिब से इनकार के बाद सेफ सिटी अथॉरिटी ने रोजाना 5,000 चलान घर भिजवाने का अमल भी रोक दिया। अथॉरिटी की जानिब से ई चलान माफ करने से मुतालिक तजावीज भी ज़ेरे गौर। ट्यूबवेल्स पर पानी के बिलों का निफास करने पर एलडीए का इख्तियार चैलेंज। हाई कोर्ट की दरखास्त गुजार को पिटिशन दायर करने का अथॉरिटी लेटर साथ लगाने की हिदायत। एबी मोरी प्राइवेट लिमिटेड की दरखास्त में डीजीएलडीए एमडी बासा समेत दिगर फ्रीक नाम सर। हमजा शहबाज की दरख्वास्त जमानत पर समाप्त। दरख्वास्त गुजार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में दलाइल के लिए वक्त मांग लिया। जस्टिस सरदार अहमद नईम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सुनवाई 7 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। डॉक्टर्स ने मियां नवाज शरीफ को सेल्फ आइसोलेशन की हिदायत कर दी। साबिक वजीर आजम की आरजाए कल्ब की अद्वियात में भी इजाफा। कोरोना सूरत हाल के सबब स्विट्जरलैंड में चेकअप मुअत्तल हो गया। एहतसाब अदालत में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट जमा। रिपोर्ट के मुताबिक शरियाने तंग होने के बायस नवाज शरीफ को कैथराइजेशन की जरूरत है। कोरोना के खिलाफ जंग। वजीर आला पंजाब का सिविल सेक्रेटरीट कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर का दौरा। ताज़ा तरीन सूरत हाल पर हुकाम की सरदार उस्मान बुजदार को ब्रीफिंग। वजीर आला ने किए जाने वाले मजीद हिफाजती इकदाम का जायजा भी लिया। शहबाज शरीफ की ओपोजिशन रहनुमाओं से राबते। कोरोना के खिलाफ पार्लियामेंट्री रिलीफ मॉनिटरिंग कमेटी की तश्कील के लिए मुशावरत। ओपोजिशन लीडर ने बिलावल, फजलुर रहमान, सिराजुल हक, महमूद खान, अचकजई समेत दीगर रहनुमाओं से टेलीफोन पर तबादला ख्याल किया। सदर मुस्लिम लीग नून के वजीर आजम के कौम से खिताब पर भी शदीद तहफुजात। कौमी सलामती कमेटी का फौरी इजलास बुलाने का मुतालबा। कोरोना के खिलाफ पीपल्स पार्टी पंजाब की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कल तक के लिए मौखर। कमर जमान कायरा का वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस के जरिए कोरोना के खिलाफ कौम को मुतहद काम करने का अजम। बोले कोरोना के खिलाफ जंग बाहमी इतिहाद से ही मुमकिन है। गवर्नर पंजाब का लॉकडाउन के दौरान मुतासरीन की इमदाद पर मुखैर हजरात को खिराज तहसीन। मीडिया टॉक में बोले पाकिस्तान के मुखैर हजरात लोगों का दर्द महसूस करते हैं। बिजनेस बंद है मगर बिजनेस कम्युनिटी कौम की मदद के लिए फ्रंट लाइन पर है। गवर्नर चौधरी सरवर का कैदियों में जल्द हिफाजती सामान की तकसीम का ऐलान। पंजाब में प्रिंसिपल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की मुकामी सतह पर तैयारी शुरू। एक्सपर्ट फोरम इक्विपमेंट की तैयारी आलमी मयार के मुताबिक बरकरार। वजीर आला से कन्वेयर डॉक्टर मोहम्मद शौकत की मुलाकात। साथियों के हमराह वजीर आला को ब्रीफिंग में बताया कि मुकामी सतह पर N95 के मयार का मास्क भी तैयार किया जा रहा है। जिन्ना हॉस्पिटल में कोरोना वायरस टेस्ट के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरी कायम कर दी। किसी को वायरस का खदशा है तो फौरी आकर टेस्ट करवाए। गोहर एजाज फाउंडेशन के सरबराह ग्रुप लीडर एप्टमा चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिन्ना हॉस्पिटल गोहर एजाज की फैसिलिटी 42 से गुफ्तगू। बोले N95 मास्क हॉस्पिटल के डॉक्टर्स पैरामेडिक स्टाफ को भी फराहम कर दिए। सिर्फ
हिफाजती इकदामात से ही कोरोना के खिलाफ जंग जीत सकते हैं। शहरी हुकूमती हिदायत पर अमल करें। अमरीकी कौंसिल का लाहौरियों के नाम अहम पैगाम। कौंसिल जनरल शहरियों को घरों पर रहने, सामाजिक दूरी इख्तियार करने और मुसलसल 20 सेकंड तक हाथ धोने की आदत अपनाने की तलकीन करते रहे। और बादलों भरा आसमान, ठंडी हवाएं और बूंदाबांदी, लाहौर का खुशगवार मौसम मजीद खुशगवार हो गया। शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।